दोस्तों, अगर आप अपने शब्दों को मजबूत करना चाहते हैं, अपने प्रोनंसिएशन को ठीक करना चाहते हैं, तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है आप कहानियाँ पढ़ें। आप कहानी, अगर आपको लगता है कि शब्द आपके ठीक नहीं है, तो आप कहानियों को सुने। जैसे कि ये कहानी है, मोरल कहानी है बहुत। जब मैं गर्भवती थी और सातवें महीने में मैं अपने मायके जा रही थी, तो मेरे पति शहर से बाहर थे। उन्होंने एक रिश्तेदार से कहा कि मुझे रेलवे स्टेशन छोड़ आए। मेरे सफ़र की शुरुआत एक सामान्य घटना की तरह थी, लेकिन वो रात मेरे जीवन की ऐसी यादगार बन गई जिसे मैं कभी नहीं भूल सकती। मेरी ट्रेन पांचवें प्लेटफॉर्म से थी और ट्रेन के आने में देरी थी। रिश्तेदार मुझे प्लेटफॉर्म पर सामान के साथ छोड़कर चले गए। गर्भवती होने के कारण मेरे लिए सामान को उठाना मुश्किल हो रहा था। तभी मेरी नज़र एक बुजुर्ग कुली पर पड़ी जो दुबला पतला और थका हुआ था। उसकी मजबूरी उसकी आंखों में साफ झलक रही थी। मैंने उसे सामान उठाने के लिए 15 रुपये देने का वादा किया और वो तैयार हो गया। ट्रेन आने में काफ़ी देरी थी, इसलिए हम दोनों वहीं बैठकर ट्रेन का इंतज़ार करने लगे। करीब 1.5 घंटे बाद जब ट्रेन आने की घोषणा हुई, तो अचानक पता चला कि ट्रेन का प्लेटफॉर्म बदल कर 9 नंबर कर दिया गया है। मुझे घबराहट होने लगी क्योंकि गर्भवती होने की वजह से तेज चलना और सामान संभालना मेरे लिए संभव नहीं था। बुजुर्ग कुली भी कहीं दिख नहीं रहा था और मेरे दिल में एक डर सा बैठ गया कि अब क्या होगा। तभी मैंने देखा कि वो बुजुर्ग कुली तेजी से भागता हुआ मेरी तरफ आ रहा था। उसने जल्दी से मेरे सामान को उठाया और हम प्लेटफॉर्म की ओर भागे। हमें पुल पार करना पड़ा और उस बुजुर्ग की सांस फूलने लगी। मैं देख सकती थी कि उसके लिए ये काम कितना कठिन था, लेकिन उसने हार नहीं मानी। ट्रेन धीरे धीरे चलने लगी, लेकिन कुली ने किसी तरह मेरा सामान ट्रेन में चढ़ा दिया। जब मैंने जल्दी से उसे पैसे देने की कोशिश की, तब तक वह अपनी हथेली दूर खींच चुका था। उसकी खाली हथेली और उसकी मेहनत मेरे दिल को छू गई। ट्रेन तेज हो चुकी थी और मैंने उसकी तरफ नमस्ते करते हुए देखा, जैसे मेरे दिल में एक गहरी कृतज्ञता उभर आई हो। उस रात उसकी मेहनत, उसकी ईमानदारी और निस्वार्थ सहयोग ने मुझे बहुत प्रभावित किया। डिलीवरी के बाद कई बार स्टेशन पर उस कुली को ढूंढने की कोशिश की, लेकिन वो कभी नहीं मिला। अब मैं नियमित रूप से दान करती हूं, लेकिन उस रात उसकी मेहनत भरी हथेली का कर्ज मैं कभी नहीं चुका पाई। कुछ कर्ज ऐसे होते हैं जो धन से कभी नहीं उतारे जा सकते, और वो कर्ज मेरी आत्मा पर आज भी बसा हुआ है। ये एक छोटी सी कहानी थी दोस्तों। आप अपने शब्दों को ठीक करना चाहते हैं, उच्चारण को ठीक करना चाहते हैं, तो पहले सबसे पहले चीज़ों को सुनना सीखें, कहानियों को सुनें, उपन्यास को पढ़ें, कविताओं को सुनें, शब्दों को साफ सुनें और साफ बोलें।
ये एक अभिनेता के लिए बहुत ज़रूरी है।